तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक मेक्सिकन थ्रिलर और ड्रामा वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर दी एक्सीडेंट के नाम से। दोस्तों मुझे पता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन भाई साहब इस फ्राइडे को इतना सारा कंटेंट रिलीज हुआ है और उसमें से कई सारी तो वेब सीरीज है तो जिनको देखने के लिए टाइम तो लगता है। तो फाइनली मैंने इसके सारे एपिसोड को देखकर ख़त्म कर लिया है। तो कैसी है यह वेब सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? नहीं। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थ है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूँगा कि कहानी फोकस करती है चार हाई क्लास फैमिली के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा रईस है और अपने घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रह रहे होते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उनके यहाँ पर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है जहाँ पर तूफान आ गया है और उस तूफान की वजह से वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें से तीन बच्चों की तो मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट और एक बच्ची लापता हो जाती है। तो अब ये सब दुर्घटना थी या फिर किसी की लापरवाही थी, और लापरवाही थी तो किसकी थी, और उसको पकड़ने के लिए इस कहानी में किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, अगर आप ये सब जानने के इच्छुक हो तो आप इस शो की तरफ जा सकते हो। शो आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा जिसमें टोटल 10 एपिसोड है जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट वेरी करती है, यानी कि पूरी सीरीज को निपटाने के लिए आपको लगभग 9 घंटे का इस प्रकार टाइम लग जाएगा भाई साहब। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इस शो का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक ओके काइंड ऑफ शो लगा मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों इस शो में जितने भी स्टार कास्ट है ना भाई सबका काम अच्छा ही था, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस शो की USP इसके स्टार कास्ट है। आई मीन भाई साहब इस शो में जितने भी स्टार कास्ट है ना, चाहे वह लीड एक्टर्स हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट हो, सबका काम यहाँ पर तगड़ा देखने को मिलेगा आप, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज इस शो से आपको 1% भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस शो की कहानी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा खराब भी नहीं थी और ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, लेकिन हाँ यह कहानी आपको इंगेज करके रखती है। मतलब एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई फर्स्ट एपिसोड में इस एक्सीडेंट को दिखा दिया गया है तो बाकी के एपिसोड में क्या ही दिखाएंगे ये लोग, लेकिन नहीं भाई साहब इस शो में काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जो आपको कहीं ना कहीं इंगेज करके रखती है। टेक्निकली यह सीरीज वेल मेड है, सीरीज की सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब अच्छी खासी फिल्मिंग देखने को मिल जाएगी इसमें आपको, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी रिच देखने को मिलेगी और इसकी हिंदी डबिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। और दोस्तों इस सीरीज का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें अच्छी खासी डेप्थ और इंटेंसिटी देखने को मिलेगी आपको, मतलब कि कैरेक्टर की जर्नी के साथ आप आराम से कनेक्ट हो जाओगे भाई साहब। बात करें नेगेटिव की, दोस्तों इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी लेंथ, मतलब कि 10 एपिसोड है जिनको ख़त्म करने के लिए मुझे पूरे 2 दिन लग गए भाई साहब, और इसीलिए मैं वेब सीरीज ज़्यादा देखता नहीं हूँ भाई, क्योंकि इनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लेंथ है ना वो फील होती है, मेरे ख्याल से इस सीरीज के 6 एपिसोड रखते वो भी 30-30 मिनट के तो सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन के आ सकती थी, और इतना सब झेलने के बाद भी हमारे हाथ लगता है एक अधूरा क्लाइमैक्स, आई मीन भाई साहब कहानी को सीजन 2 के भरोसे छोड़ दिया गया है जो कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है। और भाई जब आदमी इतना सारा टाइम और पूरी रात की नींद खराब करता है ना और उसके हाथ में क्लाइमैक्स में ये मिलता है तो भाई साहब गुस्सा डेफिनेटली आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों कहीं कहीं पर सीरीज में खिचड़ी बना दी गई है भाई साहब, मतलब कि इसकी वाइफ दूसरे के हाथ लगी है, उसकी वाइफ किसी दूसरे के हाथ लगी है, इसकी वाइफ किसी तीसरे के हाथ लगी है, इसकी लड़की किसी और के हाथ भाग रही है, और कभी ड्रग्स वाला एंगल दिखा रहे हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें देखकर आपको 8 एपिसोड के बाद तो आपका इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा इस शो से भाई साहब, मतलब कि इंटरेस्ट जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट और आना चाहिए, लेकिन 8 एपिसोड के बाद तो आप सोचोगे यार भाई खत्म कर दो इस सीरीज को, मतलब बहुत हो गया यार, क्या ही चूतिया पर चल रहा है सीरीज में। दोस्तों और भी लूप होला सीरीज में, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो सीरीज स्पॉइल तो हो जाएगी, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल यह एक ठीक ठाक वन टाइम वॉच टाइप का शो है जिसको अगर आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है तो आप इसे अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना इस शो से, नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे भाई साहब। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, शो में न्यूड सीन है, सेक्स सीन है, एडल्ट सीन है, किसिंग सीन है, और भर भर के बिलो द बेल्ट गालियां भी देखने को मिलेगी आपको, तो आप इस सीरीज को अकेले में ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरी तरफ से इस शो को मिलेंगे 3 out of 5 stars। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू दी एक्सीडेंट वेब सीरीज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो भाई साहब, पता नहीं इसमें ताकत लगती है या पैसे खर्चा होता है, कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ एक बटन ही दबाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।